वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आज हम गणित में जो वस्तुनिष्ठ हैं, जिसको इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला आता है प्राकृतिक संख्याओं के समूह को व्यक्त करते हैं। प्राकृतिक संख्या यानी होता है नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्याओं में आता है एक, दो, तीन, चार। इसको लिखेंगे कैपिटल एन इज इक्वल टू वन, टू, थ्री, फोर। और भी बहुत सारी अनंत संख्याएं हैं, इसको इस प्रकार के सेट में व्यक्त करते हैं। सेकंड है परिमेय संख्याओं को व्यक्त करते हैं। परिमेय का मतलब होता है जिसमें अंश और हर हो। सपोज एक एग्जांपल 4/5, तो अंश 4 हुआ और हर 5 हुआ, इसको कहते हैं P/Q। ठीक। अब सम संख्याएं होती हैं। सम संख्या जो होती है 2 से शुरू होती है, 4, 6, 8, 10। स्टूडेंट हम बहुत सारी सम संख्याएं लिख सकते हैं, जैसे 100 तक के लिए आप इसी के आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, 12, 14 और भी अनंत। अनंत का मतलब है 100 के बाद और भी संख्याएं। तो इसको कहते हैं इवन नंबर्स। निर्देशांक ज्यामिति के जन्म दाता थे रेने डेकार्त। एक बार फिर से आईएमपी का रिवीजन करेंगे। प्राकृतिक संख्याओं के समूह को व्यक्त करते हैं एन से, इसका जो संख्या है वो होती है एक से शुरू होती है। ठीक है, दूसरा है परिमेय संख्याओं को व्यक्त करते हैं P/Q से, पी यानी अंश और क्यू यानी हर। ठीक, तीसरा सम संख्याएं होती है। सम संख्याएं इवन नंबर्स, जो किसी भी संख्या से इसको भागित कर सकते हैं, जो भाज्य होती है। और निर्देशांक ज्यामिति के जन्मदाता थे, जिन्होंने निर्देशांक ज्यामिति बनाई, आपने जो टॉपिक पढ़ा था लास्ट क्लास में, तो उसके जन्मदाता रेने डेकार्त थे। नेक्स्ट, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज रेखा का नाम। बच्चों, उसकी लास्ट क्लास में आपको हमने एक क्षैतिज रेखा बनाई थी और उनके सवालों को हल किया था। देखिए, बिल्कुल जो सीधी लाइन वाली जो जाएगी वो कहलाएगी क्षैतिज रेखा। इसको कहते हैं एक्स अक्ष, धनात्मक एक्स अक्ष, और ये कहलाती है ऋणात्मक एक्स अक्ष। ठीक। नेक्स्ट, चतुर्थांश कितने प्रकार के होते हैं। चतुर्थांश 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है प्रथम। प्रथम में एक्स वाई की जो फॉर्म रहेगा वो धनात्मक रहेगा। ठीक है, धन एक्स और धन वाई। द्वितीय में, द्वितीय के लिए
वाई के फॉर्म में द्विस्ताक्ष होता है, माइनस एक्स होता है पहला और दूसरा होता है वाई। तृतीय चतुर्थांश में एक्स वाई के फॉर्म में दोनों माइनस एक्स और माइनस वाई एक्स होगा। इसी प्रकार चतुर्थ में होगा एक्स वाई के फॉर्म में प्लस एक्स और माइनस वाई। इस प्रकार ये चार चतुर्थांश पूर्ण हुए। नेक्स्ट है रैखिक बहुपद होता है, ये होता है ए एक्स प्लस बी या जिसकी घात एक होती है, चार राशियां होती हैं एक्स वाई जेड। समकोण त्रिभुज होता है 90 अंश या पैतालीस अंश। चलिए फिर से इसको रिवीजन करते हैं। पांचवा है कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज रेखा या अक्ष का नाम है, ठीक। तो इसका नाम होता है एक्स अक्ष और धन एक्स अक्ष और ऋण एक्स अक्ष। क्षैतिज को सीधी रेखा होती है। अगला चतुर्थांश कितने प्रकार के होते हैं, इसके कितने प्रकार हैं, चार प्रकार, ठीक। प्रथम में आएगा धन एक्स धन वाय। इसका अर्थ है कि जो उदाहरण लेंगे हम तो पहले वाले में आएगा धन एक्स धन वाय का मतलब है कि जो वैल्यू लेंगे हम एक्स और वाई की वो होगी, जैसे मान लो ले लिया धन 3 एक्स अक्ष में और धन 5 ले लिया वाई अक्ष में, ठीक। दूसरे का उदाहरण है ऋण है, पहला ऋण जाएगा, मैंने ऋण 4 संख्या ले ली है और धन 6 जाएगा, ठीक। तीसरा उदाहरण है दोनों संख्याएं क्या होंगी, ऋण में होंगी, यानी ऋण 7 भी हो सकता है, ऋण 8 भी हो सकता है, चौथा कोई भी संख्या ले सकते हैं, ठीक। अगला धन एक्स, धन एक्स मतलब धन जाएगा, धन 2 ले लिया और ऋण क्या ले लिया 4, ठीक। इस प्रकार ये चार उदाहरण पूर्ण हुए। हम इससे एक अच्छा जो चतुर्थांश के लिए निर्देशांक ज्यामिति में जो ग्राफ बनाते हैं इस संख्या द्वारा हम बहुत अच्छा ग्राफ बना सकते हैं। बच्चों आपको भी होमवर्क दे रही हूँ, आपको इन संख्याओं का क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे अच्छे से, ठीक है। अब अगला है रैखिक बहुपद होता है। रैखिक का अर्थ है जिस बहुपद की घात एक होती है उसे रैखिक कहते हैं। जैसे एग्जांपल 5x + 4, इसमें x की घात नहीं दी है यानी कितनी होगी, 1 होगी, ठीक है। तो ये रैखिक कहलाएगा। आगे एक चर राशियां होती है, चर राशियां यानी होती है x, y और z, ठीक है, ये होती है। 9 एक समकोण त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज कितने अंश का होता है, 90 अंश का होता है ना बच्चों, आपको भी चित्र बनाना है, ये बना दो। आप चांदे से चित्र बनाएंगे समकोण त्रिभुज का, जब भी इसको लिखेंगे देखिए समकोण त्रिभुज बनाएंगे, आप लोग बनाएंगे किससे बच्चों, चांदे से बनाएंगे और स्केल द्वारा इसको बनाएंगे, ठीक है। उसी स्टेप को ये कहलाएगा समकोण त्रिभुज, ठीक है। ये होगा 90 अंश का, कितने का होगा, 90 अंश का। इसको नामांकित भी करेंगे ए बी और सी, ठीक, ये कहलाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, सरल रेखा का वह भाग जो किसी बिंदु से प्रारंभ होकर अन्य बिंदु पर रुक जाता है उसे कहते हैं। चलिए अगला है सरल रेखा का वह भाग जो किसी बिंदु से प्रारंभ होकर अन्य बिंदु पर रुक जाता है उसे क्या कहते हैं, रेखा कहते हैं, ठीक है। तो
यहाँ से शुरू किया, किसी बिंदु मतलब एक बिंदु शुरू किया और अन्य बिंदु, ये एक अन्य बिंदु ये यहाँ पे हमने रोका, तो ये क्या क्या कहलाएगा? रेखा कहलाएगा। ठीक है, सपोज ये बिंदु है, ये मान लेंगे ए और ये बी, ठीक, तो ये एक रेखा का क्या कहलाएगा? रेखा खंड। ठीक है बेटा, रेखा खंड यानी जो बहुत बड़ी रेखा है उस रेखा से क्या किया हमने, इसको कट कर दिया। अगला, वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है कहलाता है समांतर चतुर्भुज। चतुर्भुज यानी जिसकी चार भुजाएं होती हैं। स्टूडेंट, हमने पहले त्रिभुज का अध्ययन किया था, ठीक, अब इसमें चतुर्भुज आया है तो चतुर्भुज कैसे बनाते हैं? जिसकी चार भुजाएं बराबर होती हैं, भुजाओं के गुणा मान के करते हैं, ठीक, ए बी सी और डी, ठीक है, भुजाओं के बारे में आपको मालूम है, ए बी एक भुजा, बी सी दूसरी, सी डी तीसरी और डी ए चौथी, ठीक, कौन कौन सी होगी? ए बी, फिर बी सी, सी डी और डी ए, ये क्या है? चतुर्भुज की भुजाएं, चार भुजाएं, ठीक, ओके। नेक्स्ट, समांतर रेखाओं के लिए प्रयुक्त चिन्ह है होता है दो लकीर होती है, दो रेखाएं होती हैं जो क्षैतिज रेखा होती है, देखो कैसे बनाते हैं समांतर रेखाओं को, सीधे इस प्रकार बनाएंगे हम एक रेखा और एक दूसरी रेखा, ठीक, ए बी सी और डी, तो इसको कैसे लिखेंगे समांतर रेखाओं को? ए बी समांतर का चिन्ह ऐसा लगता है और सी डी, ठीक है, तो ये इसका आंसर कहना है। अब दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखाओं की संख्या होगी, जो दो बिंदु से गुजरेगी वो क्या कहलाएगी, कितनी संख्या होगी इसकी? एक ही संख्या होगी, क्योंकि जब एक हम रेखा खींचेंगे, सीधी रेखा यदि खींचेंगे तो किस प्रकार होगी, ये रेखा सीधी खींची, दो बिंदु से रेखा गुजर रही है तो कितनी संख्या, एक ही तो होगी, ठीक। नेक्स्ट, न्यून कोण की माप होती है, ठीक, न्यून कोण की माप आपको बताया था हमने, जो कोण 90 अंश से कम होता है उसे हम न्यून कोण कहते हैं, इसकी माप कितनी होगी? 60 अंश, ठीक है, ये कितनी होगी? 60, इसका आंसर हुआ 60 अंश, ठीक। फिर से इसको रिवीजन करते हैं, सरलरेखा का वह भाग जो किसी बिंदु से प्रारंभ होकर अन्य बिंदु पर रुक जाता है उसे रेखा खंड कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट, वह चतुर्भुज जिसकी चार भुजाएं बराबर होती है समांतर चतुर्भुज कहलाता है, चार भुजाएं होती है, समांतर रेखाओं के लिए प्रयुक्त चिन्ह होता है इस प्रकार का, दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखाओं की संख्या एक होगी, न्यून कोण की माप होती है 60 अंश, सरल कोण कितने अंश का होता है? सरल कोण के लिए सीधी रेखा क्षैतिज होती है और इसके कोण का जो मान है वो होता है 180 डिग्री, ठीक है, जीरो से लेके, जीरो डिग्री से लेके पूरा 180 डिग्री होता है, ठीक, इसको हम एक सरल कोण को क्या कहते हैं? ऋजु कोण भी कहते हैं।
उसे कहते हैं विषमबाहु त्रिभुज। निम्न में पूरक कोण युग्म नहीं है, ठीक। देखो उदाहरण आपको समझा रहे हैं, देखो पहला दो तीन चार उदाहरण समझा रहे हैं। दो कोण ले रहे हैं, एक 50 अंश 30 अंश, दूसरा 40 40, तीसरा है 60 अंश और 30 अंश, चौथा है 80 अंश और 10 अंश। अब इसमें से युग्म नहीं है बोला है, तो पूरा भी आपको बताया था कि दो कोणों का योग कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। तो 90 डिग्री प्लस करके देख लेते हैं, 50 प्लस 30 होता है 80, ठीक है, ये युग्म नहीं होगा। दूसरा 40 प्लस 30 80, ये भी नहीं होगा। 60 प्लस 30 क्या होगा, 90 डिग्री, एंड 80 प्लस 10 इक्वल टू 90 डिग्री, यानी ये दो क्या है, युग्म है, और ये दो क्या है, ये नहीं है। आया समझ में? तो कौन कौन सा उदाहरण हुआ, पहला और दूसरा, ये युग्म नहीं होंगे, ठीक। नेक्स्ट, त्रिभुज एबीसी के तीन कोणों का योगफल होता है, त्रिभुज के कोणों का योगफल होता है 180 अंश, ठीक। देखिए त्रिभुज के तीन कोणों का योगफल 180 अंश, ये त्रिभुज है, ठीक। ये तीनों कोण होंगे 60-60 अंश के, हाँ 60-60 और 60, ठीक। तीनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 180 अंश। देखो 60 और 60 टोटल कितना होगा, 180 अंश। आए समझ में? बी और सी, ठीक। फिर से रिवीजन करते हैं इसका। देखिए सरल कोण कितने अंश का होता है, 180 अंश का। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग माप की हो तो क्या कहलाएगा, विषमबाहु त्रिभुज। निम्न में पूरक कोण युग्म नहीं है, कौन सा नहीं है, जो 80-80 वाले वो नहीं है। त्रिभुज एबीसी के तीनों कोणों का योगफल होता है 180 अंश, ठीक है। स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, आप लोग बेहतरीन तरीके से अच्छी पढ़ाई कीजिए, ऑब्जेक्टिव्स को अच्छे से याद कीजिए, लिख के याद कीजिए, और चित्र जरूर बनाइए और कॉपी में नोट करिए। आने वाली जो परीक्षाएं हैं उनमें आपकी अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए। थैंक यू सो मच।